डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम अपनी एक ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आशा ही नहीं मुझे बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की हिस्ट्री सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हमारे भारतीय इतिहास में 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की कुप्रथाओं का प्रचलन था। जैसे जैसे हमारे देश में अनेकों प्रकार के अनेकों सामाजिक सुधारवादी व्यक्तित्व पैदा हुए, उन सभी सुधारवादी व्यक्तित्वों ने हमारे देश से इन सभी कुप्रथाओं का अंत किया था। और ऐसे ही कुछ कुप्रथाएं जो हमारे देश को पीछे की तरफ ले जा रही थी, उन सभी कुप्रथाओं के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं सती प्रथा की। सती प्रथा एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी बहुत ही बुरी प्रथा थी जिसमें क्या था कि जब किसी भी लड़की के महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला की मृत्यु के सॉरी उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसके महिला को भी उसी के साथ जला दिया जाता था। इसी बहुत ही अमानवीय प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। और सती प्रथा का अंत करने के लिए हमारे देश में अंग्रेजी शासन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने कि बहुत ही सराहनीय कदम उठाए थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को भारत से अवैध घोषित कर दिया था और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने सती प्रथा को सबसे पहले बंगाल में, उसके पश्चात बम्बई में, और बम्बई के पश्चात उन्होंने मद्रास में पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया था। इन तीनों राज्यों में उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सबसे पहले उन्होंने बंगाल से ही शुरू किया था सती प्रथा का अंत करना, क्योंकि सती प्रथा के लिए घोर और बहुत ही कठोर लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तित्व का नाम था राजा राम मोहन रॉय, जो कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं, जिन्होंने कि सती प्रथा को हमारे देश से दूर करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए थे। और उन्हीं के प्रयत्नों का फल है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में हमारे देश से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके बाद दूसरी एक बहुत ही बुरी प्रथा जो है वो थी शिशुवध। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, शिशुवध हमारे देश में जब किसी बच्ची का, किसी लड़की का जन्म होता था तो लड़की के जन्म को वो अशुभ मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे, और लड़की को जन्म होते ही मार दिया जाता था। इसी को शिशुवध कहा जाता था। तो शिशुवध का अंत करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सोचा कि छोटे छोटे बच्चों का वध कर दिया जाता है भारत के लोगों के द्वारा, जो कि एक बहुत ही
अमानवीय कृत्य था, तो इसको उन्होंने बंद किया। और उन्होंने सबसे पहले 1785 ईस्वी में बंगाल नियम 21 बंगाल नियम 21 के तहत उन्होंने इसको बंद किया था। उसके बाद फिर एक बार 1804 ईस्वी में भी इस पर एक कानून बनाया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। और शिशु वध का जो कानून था वो और ज़्यादा पहले से भी सशक्त हो गया था। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, इससे पहले महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक भी अपना अथक प्रयास कर चुके थे, और विलियम बेंटिक के कदमों को ही और आगे बढ़ाने के लिए विधवा पुनर्विवाह, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था, लॉर्ड कैनिंग वो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने विधवाओं, भारत में जो विधवाएं थीं उन विधवाओं के जीवन यापन को, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। 1855 ईस्वी में सबसे पहले समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि हमारे देश के एक बहुत ही प्रख्यात समाज सुधारक थे, जिन्होंने कि अंग्रेजी सरकार से अनुरोध किया कि हमारे देश में जो भी विधवाएं होती हैं उन विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वो हमारे समाज में एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इससे पहले 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो जो सती प्रथा का जब अंत हो गया था, उसके बाद जो महिलाएं अपने पति के मृत्यु के साथ ही उनको नहीं जलाया जाता था, जो जीवित रह जाती थी अपने पति की मृत्यु के बाद, उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून बनाया, जिसके तहत सभी विधवाओं को दोबारा पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। और ये जो कानून था वो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने इस कानून को बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिसके कार्यकाल में हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुई थी। और अब आगे हम देखते हैं कि विधवाओं के विवाह के लिए एक और व्यक्ति थे हमारे देश में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद प्रोफेसर कर्वे। प्रोफेसर कर्वे ने भी विधवाओं के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए थे। उन्होंने 1896 ईस्वी में पश्चिम भारत में पूना में उन्होंने विधवाओं के लिए एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी। विधवा आश्रम की स्थापना उन्होंने पुणे में की। और उसके बाद 1906 ईस्वी में हमारे देश में पहला महिला विश्वविद्यालय बना, जो कि बम्बई में हमारे देश का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। हमारे देश में 1906 ईस्वी में बम्बई में पहला विश्वविद्यालय खोला गया था। और क्या आप जानते हैं हमारे हरियाणा में महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारे हरियाणा में
कहाँ हैं बताइए? यस, हमारे हरियाणा में महिला विश्वविद्यालय का नाम है BPS, या हम कह सकते हैं कि भगत फूल सिंह महिला वुमेन यूनिवर्सिटी खानपुर कलां सोनीपत, खानपुर कलां सोनीपत, जो कि सोनीपत ज़िले में खानपुर कलां में है, और इस विश्वविद्यालय का नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसके बाद फिर एक नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था, इसके बाद फिर नेटिव मैरिज एक्ट नेटिव मैरिज एक्ट को शुरू करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने नेटिव मैरिज एक्ट शुरू किया, और इस नेटिव मैरिज एक्ट के आधार पर क्या था कि इंटरकास्ट मैरिज शुरू हुई थी, और ये 1872 ईस्वी में अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था, जो अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके बाद है एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था वो 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था वो लागू किया गया, और इस एक्ट में क्या था, लड़की की उम्र विवाह के लिए, गर्ल्स की जो उम्र थी वो 12 वर्ष निर्धारित की। इससे पहले छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन लड़कियों की शादी करने की जो न्यूनतम आयु थी वो निर्धारित की, और लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु जो थी वो उन्होंने 12 वर्ष निर्धारित की। उसके बाद फिर शारदा एक्ट, शारदा एक्ट जो था वो लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड लेंसडाउन के द्वारा शारदा एक्ट शुरू किया गया था, और इन्होंने शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में लागू किया था। इस एक्ट के आधार पर लड़की की शादी के लिए, विवाह के लिए जो उम्र थी वो 14 वर्ष निर्धारित की थी। और लड़के की शादी के लिए कम से कम जो आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित की। वर्तमान में विवाह के लिए क्या आयु है? वर्तमान में विवाह के लिए लड़की की जो कम से कम आयु है वो 18 वर्ष, और लड़के की 21 वर्ष, ये वर्तमान में है। और अभी भी सरकार सोच रही है कि इस आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लड़की की विवाह के लिए आयु 21 वर्ष और लड़के की 24 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद अब हम करेंगे दास प्रथा। एक और अमानवीय प्रथा थी हमारे देश में,
दास प्रथा। दास प्रथा के आधार पर क्या था कि जो गरीब लोग थे उनको किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा खरीद लिया जाता, उससे अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उससे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाया जाता था। जैसे आज हम पशु पक्षियों को, गाय भैंस को या किसी अन्य सामान को खरीदते हैं, उसी प्रकार से वे आदमियों को भी खरीद लेते थे और उनसे बहुत ही भरसक परिश्रम करवाया जाता था। तो ये एक बहुत ही गलत प्रथा थी, तो इसको भारत में बंद करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड एलन बरो को जाता है। लॉर्ड एलन बरो जो कि भारत में एक अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड एलन बरो, इन्होंने भारत से दास प्रथा का अंत किया था। इन्होंने सबसे पहले 1833 एवं फिर 1843 और 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट थे, उन चार्टर एक्ट में दास प्रथा को बंद करने का जिक्र किया और उन्हीं के प्रयासों के कारण भारत से जो दास प्रथा थी वो अंत हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले हमारे देश में जो मुग़ल सम्राट अकबर थे, अकबर ने भी दास प्रथा को अंत किया था। उन्होंने 1563 ईस्वी में हमारे देश से दास प्रथा का अंत किया था। धन्यवाद।